बोरा समाज ने रविवार को समाज के वृद्धजनों के लिए एक हवा सो दवा का आयोजन किया। सैयदना साहब के फरमान पर यह आयोजन सागर रोड स्थित एक कॉटेज पर किया गया, जहां समाज के वृद्धजनों ने घुड़सवारी, कैरम और कुर्सी दौड़ का आयोजन किया। समाज के वरिष्ठ शेख मुकद्दल भाई ने बताया, हम लोग आज हमारे समाज के सभी 70 वर्ष से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं, उनको यहाँ पर तफरी पर लेके आए हैं। सैयदना साहब के फरमान के अनुसार सभी बुजुर्गों को तफरी पर लेके जाए, उनका हेल्थ चेकअप किया जाए, उनकी जो भी पर्सनल शिकायतें हैं या उनकी जो भी बीमारी है, जो भी उनका पर्सनल है, वो सब नोट किया जाए। उसी आदेश अनुसार आज हम लोग सभी या समाज के बुजुर्गों को लेकर आए हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और बस इसी तरह एक हवा स्वच्छ हवा एक दवा, ऐसा स्लोगन आज हमने दिया है। शहर की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस ने तीसरी आंख महलवाड़ा पर भी लगा दी है। पुलिस ने 2 सीसीटीवी कैमरे लगाकर होने वाली गतिविधियों की पड़ताल की। पुलिस अब तक शहर में 3 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा चुकी है। इस्लाम धर्मादिजनों ने रविवार को ईद मिलान दुनबी का पर्व मनाया। पर्व के मद्देनजर समाजजनों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और एकता भाईचारे के साथ मुल्क की तरक्की की दुआ मांगी गई। शहर में धारा 144 प्रभावशील होने के कारण जिला प्रशासन को सहयोग देते हुए सीरत कमेटी ने निकलने वाला जुलूस निरस्त कर दिया था। अयोध्या मसले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए शहर में कानून व्यवस्था बनी रही। जिला प्रशासन द्वारा लागू की गई धारा 144 का सख्ती से पालन करवाया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। जश्न पर प्रतिबंध के बाद भी नागरिकों ने अपने स्तर पर जश्न मनाया। बच्चों ने रहवासी क्षेत्र में फटाके फोड़ने में देर नहीं की। रात 8 बजे मन कामनेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे भक्तों ने दीपक जलाए और अमन चैन की दुआ मांगी। भक्तों ने फैसले पर संतोष भी जताया। जावरा में 7 दिन पहले एक मंडी व्यापारी को फोरलेन पर गोली मारने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी नाबालिग है। गोली लगने के 2 दिन तक चले इलाज के बावजूद व्यापारी की मौत हो गई थी। व्यापारियों ने लूट के इरादे से गोली मारी थी। घटना 2 नवंबर की है। मंडी से देर शाम को लौट रहे व्यापारी भंवर लाल को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिनकी इलाज के दौरान 2 दिन बाद मौत हो गई थी। जावरा पुलिस इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई, जिसमें पुलिस को कल सफलता मिली। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी मोइन, शाहिद, वसीम, मुजफ्फर हैं। सभी जावरा मंडी में ही हम्बाली करते थे। अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए लूट करने की योजना से व्यापारी भंवरलाल को गोली मारी थी, लेकिन व्यापारी को वह लूट नहीं सके। जावरा पुलिस ने इन 5 आरोपियों द्वारा अपने रतलाम और नीमच के 3 दोस्तों से हथियार खरीदने पर उन तीनों को भी आरोपी बनाया है। ये तीनों फरार है, जिनकी तलाश भी की जा रही है। दुर्घटना हुई थी, क्योंकि शुरुआती दौर में उसको ट्रैक नहीं कर पाए कि वो किस तरीके की थी, मेडिकल एविडेंसेस उसमें नहीं आ पा रहे थे। इसी दरमियान जब उनका इलाज चल रहा था इंदौर में, तो ये स्पष्ट हुआ कि उनको किसी ने गोली मारी है और उसी कारण से उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि उसी समय हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे थे और उसी आधार पर हमने 307 का अपराध पंजीबद्ध किया था और हमारी जो सूचना और हमारा जो एविडेंस कलेक्शन था वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था। इस पूरी घटनाक्रम में एक हमें सूचना प्राप्त होती है हमारी CSP साहब और जो TI साहब लोगों ने जो लगातार मेहनत कर रहे थे, और एक इनपुट आता है कि कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम देना हो सकता है। उसके आधार पर आप लोगों ने उनको पूछताछ की और पूछताछ पर इस घटना का पूरा खुलासा हुआ। घटना के पीछे जो मूल आशय था वो ये था कि इसमें से जो आरोपी हैं वो लोग वहीं मंडी में काम करते हैं और वो सारी ये चीज़ें भलीभांति पहले से जानते थे कि जो व्यापारी हैं इस रास्ते से जाते हैं और काफ़ी पैसा ये लोग लेकर जाते हैं। क्योंकि ये आरोपी वहाँ हम्बाली और अन्य कामों में इनका आना जाना रहा हुआ है, इस कारण इन्होंने उसकी मुखबिरी की और मुखबिरी के आधार पर, मतलब उनकी फील्डिंग के आधार पर लगातार उनको सूचनाएँ देते रहे। उस दिन जो मृतक है भंवरलाल जी, इनको पीछे से आकर एक बाइक पर आए थे लड़के जिन्होंने गोली मारी। गोली मारने के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। जैसे ही हमको ये जानकारी लगी कि कुछ इस टाइप के लड़के हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद में हम लोगों ने जब इनको उठाया और उठाने के बाद में सारी जब पूछताछ की गई, तो पूछताछ करने पर इस पूरे घटना का खुलासा हुआ है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है,
जिसमें मुख्य रूप से जो गोली चलाने वाला आरोपी मोइन है, इस पर पूर्व में भी एक 307 का अपराध पंजीबद्ध है और ये आपराधिक पृष्ठभूमि का है। बाकी जो सारे लोग हैं उसमें 3 हमाली करते हैं। और जो सर मंडी के व्यापारियों के साथ में अन्य लोगों के साथ में घटनाएं होती हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या पुलिस अगला कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसके सुरक्षा के इंतजाम में कहीं ना कहीं रोकथाम को इसको एक चरण में ना देखते हुए अपन इसको ऐसे देखें कि जो कार्यस्थल है जहां से अगर पूरी घटना का आप ये देखेंगे कि उसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो ये कहानी आपके सामने आएगी कि जब ये लोग वहां से पैसा लेके आते हैं और वहीं ये काम कर रहे थे, वहीं से इन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना को अंजाम दिया है। इसमें पूरा एक इस पूरे इसमें कार्यक्रम में आप इस पूरे इसमें देखेंगे आप इस पूरी घटना में कि एक तो मंडी स्थल हो गया, दूसरा वो जब वहां से पैसा लेके जब निकलते हैं जो रोड वाला पार्ट हो गया है, तो सीएसपी साहब ने और हम लोगों ने एक पेट्रोलिंग का प्लान बनाया है जिस रूट से व्यापारियों का आना जाना रहता है, इसको लगातार जो पेट्रोलिंग और उनके आने का समय है उस आधार पे हम लोग वहाँ फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग वाला प्लान करेंगे।